घर पहुंचने वाले ई चालान का जुर्माना कहां जमा कराना है, पंजाब सेफ सिटीज़ ने मसला हल कर दिया है। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी और बैंक ऑफ पंजाब के माबैन मुआहदा तय पा गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर आगाह कीजिएगा। चलान कहाँ जमा होंगे इस हवाले से तमाम कन्फ्यूजन दूर हो गई है। पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी और बैंक ऑफ पंजाब के दरमान मादा ताबा पै गया है। कुर्बान लाइन में मादे पर दस्तर की करीब मुनद हुई। सीईओ अकबर नासर खान और ग्रुप हेड ऑफ पंजाब बैंक अमर शाह दुरानी ने मादे पर दस्तर किए। चीफ फाइनेंशियल अफीसर नसारा में चीमा और दीगर मुतवर काम भी इस मौके पर मौजूद थे। मादे के बाद शहरी सूबा बाद में बैंक ऑफ पंजाब की तमाम शाखों पर ई चलान का जुर्माना अदा कर सकेंगे। इसके अलावा शहरी की जरूरत के लिए ई चलान जमा करवाने के लिए ऐप भी मुतारफ करवाई जाएगी, जबकि पंजाब बैंक एटीएम के जरिए ई चलान की अदायगी के लिए जल्द इंतजाम मुकम्मल करेगा। शहरी अपने शनाख्ती कार्ड नंबर पर होने वाले ई चलान ऑनलाइन चेक पर भी जमा करवा सकेंगे। जी अच्छा, हमारे साथ ही आप मौजूद रहिएगा मुदस्सिर हुसैन। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेफ सिटी अथॉरिटी अकबर नासिर खान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिर साहब, फरमाइएगा, ई चालान को जमा कराने के हवाले से एक मुआहदा तय पाया है, इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं और किस कदर मौसर ये जा रहा है, ये तमाम सूरत हाल जो अब पंजाब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। जी, अभी तक ये ई चालान का जो पूरा निज़ाम है लाहौर पे, उसमें ट्रैफिक में वाज़े बेहतरी देखने में आई है और ख़ास तौर पे जो लाहौर ट्रैफिक पुलिस के तआवुन से ये जो मिल के सेफ सिटी अथॉरिटी ने काम शुरू किया है, ये हेलमेट्स का जिसमें अदालत उज़्मा की हमें मदद शामिल है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी पेश आई है इसमें जो हेड इंजरीज में। और उसके साथ साथ ई चालान में ये फायदा हुआ है कि बेशुमार आपको सड़कों पे जो ट्रैफिक है वो ऑर्डर्ड नजर आती है, वहाँ पे किसी किस्म के लोग एक खास वक्त पे निकलते हैं और जगह पे पहुँच सकते हैं, कंजेस्शन में कमी आई है और उसके साथ साथ लोग जुर्माने भी जमा कर रहे हैं। अगरचे उसमें कुछ जगहों पे ऐसा है कि खासतौर पे जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो जुर्माने कम जमा करवा रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हम मजीद इकदाम कर रहे हैं जिसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर उनको रोका जाएगा और वो गाड़ियाँ जिन्होंने जुर्माने नहीं अदा किए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा नासिर खान साहब, ये फरमाइएगा कि जो ई चालान के हवाले से एक मुआहदा तय पाया है बैंक ऑफ पंजाब के साथ, ये ई चालान पंजाब में किसी भी बैंक में जमा कराया जा सकेगा या सिर्फ लाहौर की ब्रांचेस के अंदर ही जमा होगा? जी, ये बैंक ऑफ पंजाब हमारे पार्टनर हैं इस सारे काम में, क्योंकि वो अथोराइज हैं कि हुकूमत की जो भी फी हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू उसको कलेक्ट कर सकें, तो बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी शाख में पूरे पंजाब में ये जमा करवाए जा सकते हैं, चाहे चालान आपका लाहौर में हो रहा हो। और अभी भी काफ़ी सारे लोग बैंक ऑफ पंजाब की मुख्तलिफ ब्रांचेज में जो पूरे सूबे में फैली हुई हैं उसमें जमा करवा रहे हैं। अच्छा नासिर साहब, ये भी बताइएगा कि अब तक कितने ई चालान हो चुके हैं और कितने ई चालान जमा करवाए जा चुके हैं? जी, इसमें अभी तक तकरीबन 2.25 लाख ई चालान जो हैं वो इशू हो चुके हैं और उसमें से तकरीबन 60% से ज्यादा की अदायगी भी हो रही है और मजीद चूंकि 10 दिन का वक्त होता है तो उसके दौरान लोग जमा करवाते हैं और काफी हौसला अफजा सूरत हाल है, लेकिन बावजूद इसके उन लोगों को जो जमा नहीं करवा रहे उनके खिलाफ हमें कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे जिसमें उसकी गाड़ी को बंद करना पड़ेगा। शुक्रिया अकबर नासिर खान, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुदस्सिर हुसैन, शुक्रिया।